नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आए युवक युवती, युवक की हुई मौत, युवती हुई गंभीर रूप से घायल। घायल युवती को पहुंचाया अजमेर के जेएलएन अस्पताल। पुलिस कर रही मामले की जांच। अभी 2:30 बजे इंदौर जोधपुर जो गाड़ी आती है उसके सामने एक युगल प्रेमी एक लड़की हेमा जिसका नाम है और लड़की का नाम गोपाल रेगर है, इन्होंने गाड़ी के सामने आके सुसाइड के हिसाब से कूद गए थे दोनों। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने खाजुवाला और पुगल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित महंगाई राहत शिविरों का और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजुवाला का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज मैंने पुगल और खाजुवाला क्षेत्र के स्थायी और अस्थायी महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया गया है। खाजुवाला में जो महंगाई राहत शिविर जो स्थायी जगह जो चल रहे थे नगर पालिका परिक्षेत्र में और यहाँ पर जो CHC है खाजुवाला की उस परिसर में चल रहे, दोनों जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ऑपरेटर हैं, प्रॉपर ड्रेसर पहने हुए, पीने के पानी की व्यवस्था है और सभी को कार्ड्स जो हैं दिए जा रहे हैं लेबल लगा के। अब तक पूरे ज़िले में लगभग 45% के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लोगों में उत्साह है और लोग आगे आकर इसका फायदा ले रहे हैं। बूंदी में नगर परिषद आयुक्त के साथ पार्षदों द्वारा अभद्र व्यवहार करने व मारपीट के संबंध में दर्ज FIR पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांधीनगर वासियों को विधायक सुरेश टांग ने दी जनता क्लिनिक की सौगात। विधायक सुरेश टांग ने क्लिनिक का शिलान्यास किया। श्री कॉलोनी में हो रहा शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पार्षद सलीम मोहम्मद सहित अन्य लोग रहे मौजूद। आज ये गांधीनगर क्षेत्र में जनता क्लिनिक की एक सौगात मिली है राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसका आज शिलान्यास था। 23 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे कुछ सुविधाओं का विस्तार होकर एक बार हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमें नए भवन के में अभी देरी लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जो अवेलेबल भवन था नगर परिषद से हमने NOC ली और NOC लेके आज इसका शिलान्यास किया। बहुत जल्दी 2 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, 3 महीने में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए कोटा पुलिस ने चलाया एक दिवसीय अभियान। बिना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वाले 4000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। 37,76,000 का वसूला जुर्माना। मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ये अभियान कल रेंज कोटा में चलाया गया, जिसमें चोरी, डकैती, लूट और इस तरीके के जितने भी संपत्ति संबंधी अपराध हैं उनके जो ऐसे अपराधी जिन्होंने पूर्व में ऐसे घटनाक्रम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1050 से ऊपर अधिक अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। नोहर के जसराना क्षेत्र में पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पेपर दिला के लाके मोड़मु नहीं रुक गए मैडम अगर दोनों अंग मारी माँ मारी जैसे बिंग बिन तो टल ले गया बिंग मैडम है नहीं ऊपर पड़न लगी नहीं एक दो थाप मारिया बिंग है बाद में बात तो कोई सारना गिरे उड़ गई है कुल लोग आ कितना जना किया बिंग परी कद गयो आज सुबह को है सराज मास्टर का घर को है। जल शक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमुआ माता मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना। मंदिर कमेटी ने केंद्रीय मंत्री का प्रतीक चिन्ह देकर किया स्वागत। जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने मंत्री को जमुराम कड़ की प्रमुख समस्याओं से करवाया अवगत। श्रीगंगानगर के साधु शहर विधानसभा मनीवाली गांव में ग्रामीणों ने साफ पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर किया हंगामा। ग्रामीणों ने कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर के नाम पर आपदा राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। गांव-गांव में इस 45 डिग्री के तापमान में ग्रामीण दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। साधु शहर विधानसभा उसके साथ जिले के सभी विधानसभाओं में इन कैंपों के नाम पर आम ग्रामीण भटक रहे हैं, लेकिन काम पहले भी कुछ नहीं हुआ। 4.5 वर्ष में अब क्या होने हैं। आज हमारे साधु शहर विधानसभा के मेरे खुद के गाँव मनीवाले में भी कैंप लगा। ग्रामवासियों ने वाटर वर्क्स की दयनीय स्थिति और पेयजल नहीं होने के तो गांव में अन्य मूलभूत सुविधाएं उनकी मांग को लेकर जो समस्या आ रही है प्रशासन से मांग की, तो प्रशासन ने इस कैंप लगाने के नाम पर गांव को पुलिस छावनी जैसा माहौल बना दिया। रानपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक फैक्ट्री हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में स्थित हौद में कचरा साफ करने उतरे 5 मजदूर हुए अचेत। मजदूरों को निजी अस्पताल में करवाया भर्ती। इलाज के दौरान 2 मजदूरों की हुई मौत। कल शाम
चार बजे के करीब ये मामला रिपोर्ट हुआ था। शिव एडिबल फैक्ट्री है रानपुर थाना इलाके में, वहाँ ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो था उसमें सोयाबीन की स्लज इन्होंने जमा की हुई थी, उसको साफ़ करने के लिए 5 मजदूर नीचे ETP प्लांट में उतरे हुए थे। मौके पर कुछ जहरीली गैसों का रिसाव होने की वजह से 2 मजदूर तो वहीं बेहोश जैसी स्थिति में आ गए, बाकी 3 और भी बेहोश हो गए थे उनको भी साथ ले गए। 5 को मैत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 मजदूर वहाँ ब्रॉड डेड बताए गए, बाकी 3 जो हैं उनका अभी वहाँ मौके पर इलाज चल रहा है। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार किया जनता क्लिनिक का शुभारंभ। गौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की यह महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री ने आमजन की राहत के लिए जनता क्लिनिक खोलने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन पर असामाजिक तत्वों द्वारा 13 बार पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है। इसके कारण रेलवे संपत्ति को नुकसान हुआ है और यात्रियों की जान खतरे में डाली है। यह एक दंडनीय अपराध है, ऐसा करने वालों को भारी जुर्माने के साथ 5 के कारावास की सजा हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत संचालित की जा रही है। हाल फिलहाल में भी कुछ घटनाएं ऐसे नोटिस में आई है जिसमें वंदे भारत पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की घटनाएं की गई हैं। यह एक न सिर्फ दंडनीय अपराध है बल्कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। आप सभी से अपील है कि कृपया ऐसी किसी भी घटना को ना होने दें और अगर कोई भी ऐसी घटना आपके संज्ञान में आए तो तुरंत हमारे को अवगत कराएं। हमारे रेलवे सुरक्षा बल की जो टीम है वो भी लगातार सतर्क है और निगरानी कर रही है, और ये बताना जरूरी है कि ऐसे किसी भी रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने दंडनीय अपराध है और आपको 5 तक कारावास भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।